आर्मेचर जनाब हमारा रिवाइंड हो चुका है। ये है जनाब AEG जो ग्राइंडर है 9 इंच मॉडल की उसका, तो इससे जनाब हम असम्बल करेंगे। अब इसकी टेस्ट रन आपको दिखाएंगे। तो जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर करें लाजमी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें कितने ब्यूटीफुल तरीके से सेम है जेन्युइन जो है ये बन चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है जनाब की वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त देख रहे हैं। तो ये अभी मैंने बाइंड किया AEG मॉडल का 9 इंच का आर्मेचर, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से ये बाइंड हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये चलेगा भी सेम आज से और इसमें बैलेंस भी नहीं आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अजीत खान अहमद और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्मेचर रिमाइंडर। तो ये देखें जनाब आज की जो वीडियो है वो सिर्फ आर्मेचर के ऊपर बनेगी, इंशाल्लाह ताला आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये एक मेरे पास कस्टमर का आया है जनाब कटर, ये ग्राइंडर मशीन है, ये देखें AEG मॉडल। तो वो जनाब हुआ ये है कि उसने ये कहीं से ना इसको मरम्मत करवाया, तो किसी ने सिर्फ इसका कम्यूटेटर न्यू लगा के बढ़ने को बचाने की कोशिश की है। ये देखें ये दो पॉइंट इसके जो है ना आपस में क्रॉस हो गए हैं और एक इस साइड से ये दो। अब ये मुकम्मल पॉइंट जो आपस में है ना वो सारे बंद हो गए हैं, किसी पॉइंट में भी जो है ना करंट शो नहीं हो रही, क्योंकि जब भी पुरानी वाइंडिंग पे न्यू कम्यूटेटर लगाया जाए तो उनमें ज़्यादातर ये फॉल्ट आ जाता है कि यहाँ पे जो है ना इसके पॉइंट सही तरीके से अंदर पंच नहीं हो सकते। तो ऐसा भी हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं कि यही काम हुआ कि ये फिर पंचिंग में लूज़ हो गया और ये जो कम्यूटेटर ख़राब कर गया। तो इसलिए मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आर्मेचर को वाइंड कर दूँ, लेकिन जिसका पॉसिबल हो अच्छे तरीके से यानी कि कम्यूटेटर लगने का पॉसिबिलिटी हो तो उसको मैं फिर न्यू लगा देता हूँ, हाल ही जो है कम्यूटेटर लगा देता हूँ। मेरी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी है आप देख सकते हो। तो कई कटर को ऐसे मैंने जो है ना लगाया है कम्यूटेटर बहुत ज़बरदस्त चलते हैं अल्लाह ताला के फजल से, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि इसे आप वाइंड कैसे करोगे आर्मेचर को। ये आप देख सकते हो कि ये जो है ना कंपनी मेड है अभी तक, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी वाइंडिंग कैसी होती है। तो आर्मेचर को मैंने डिसअसेंबल पहले ही कर लिया था टाइम की बचत के लिए, लेकिन वीडियो फिर भी लंबी होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। और ये देखें जनाब, तो इसकी ये जो कम्यूटेटर के पीसीज हैं ये 36 हैं और नीचे जो स्लॉट है वो 12 हैं, ठीक होगा जी। इसकी जो पिच हमारी बनेगी वो देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेज नीचे बनेगी, यानी कि फी इसमें कॉइल जो है ना 3-3 बनेंगे और इस पर 3-3 कनेक्शन आएंगे एक कॉइल के। तो 12 मल्टीप्लाई अगर 3 करें तो 36 बनता है 36। तो इस हिसाब से जो है ना हम इसे बनाएंगे और इसकी सारी इंशाल्लाह आपको मैं तैयारी दिखाऊंगा कैसे करना। तो आए जनाब वीडियो को शुरू करते हैं। ले जी, हैक्सा की मदद से जो है ना मैंने दोनों साइडों से इसे काट लिया, तो इंशाल्लाह वैसे थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसकी जो है ना वाइंडिंग निकालेंगे। तो हीट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये देखे बर्नर, LPG बर्नर है, तो आप सिंपली इसके साथ जो है ना हीट कर सकते हैं।
नहीं जी, आर्मेचर भी अच्छे तरीके से खाली हो गया है, लेकिन अभी हीट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका काम रेटर भी उतार लिया है। और इसकी जो एक स्लॉट है ना, उसकी टर्न गिनने के लिए जो है ना, मैंने वो रख ली है, क्योंकि वाइंडिंग इसकी जेन्युइन थी, उसका तार नंबर और इसकी टर्न हम काउंट कर लेंगे, उसी हिसाब से हम जनाब इसे वाइंड करेंगे। तो ले जनाब, इसमें जो टोटल टर्नें निकली हैं वो निकली हैं 60। अब 60 टर्नें निकली हैं, तो एक स्लॉट में दो कॉइल होते हैं, तो उस हिसाब से एक कॉइल की टर्नें 30 बन गई। अब 30 टर्न को अगर दो दफ़ा सेंटर टेप किया जाए तो वो 10 जमा 10 जमा 10 बन गई। तो इस हिसाब से जनाब, क्योंकि नीचे 12 स्लॉट्स हैं और ऊपर 36 हैं, तो हर कॉइल में से जो है ना, दो सेंटर टेप निकलेंगी, यानी कि 10 जमा 10 जमा 10 को मिलाएंगे तो एक हमारा मुकम्मल कॉइल बनेगा। तो हम जब 10 टन डालेंगे तो फिर कनेक्शन लगाएंगे, फिर 10 टन डालेंगे, फिर कनेक्शन लगाएंगे, फिर 10 टन डालेंगे, फिर कनेक्शन लगाएंगे। इस तरह हमारा जो एक कॉइल है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम अगली स्लॉट में पेपर डालेंगे और फिर हम 10 10 10, फिर अगली स्लॉट में पेपर, फिर 10 10 10। तो इस तरह जनाब इसके कनेक्शन करेंगे, और आपको इसकी मुकम्मल बताऊंगा अभी कि किस तरह इसको आपने इसके साथ दोबारा लगाना है और क्या इसकी सेटिंग करनी है इंशाल्लाह। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन लाजमी मिले और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ले जनाब, इस जगह पे एक छोटी सी आपको पॉइंट की बात समझानी है कि ये जो कम्प्यूटर इस पे लगाना है तो स्लॉट के सामने आपके क्या चीज़ आनी चाहिए। स्लॉट के सामने दो पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटर में जो है ना, जो खाली जगह ना कम्प्यूटर के पॉइंट के दरमियान वाली, वो आ रही है। और एक और छोटी सी बात कि जो आर्मेचर रिवर्स फॉरवर्ड चलते हैं, जिन्होंने दोनों साइडों पर चलना होता है, उनमें ये चीज़ नहीं होती। उनमें आपने इसके इस स्लॉट के सामने जो है ना, कोर की स्लॉट के सामने कम्यूटेटर का पॉइंट रखना है, उसके सामने कम्यूटेटर की स्लॉट नहीं रखनी, कम्यूटेटर का पॉइंट। तो आप कम्यूटेटर का साइज बना लिए करें कि उसने कि उसकी किस पोजीशन पे उसने जो है ना आना है, इस तरह आपको जो है ना परेशानी नहीं होगी। ये देखो,
तो ये देखे जनाब, आर्मेचर के जना मुकम्मल तौर पे बाइंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। कम्यूटेटर भी इसका बिल्कुल ओके हो गया है, कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए आ गया है, हर चीज़ इसकी ओके हो गया है। या देख सकते हो पेपर की लेंथ यहाँ तक रखनी है, ये जो कोर के बाहरी प्लास्टिक है ना लगा हुआ हमारा प्लास्टिक वाशर है, इस यहाँ तक आना चाहिए दोनों साइडों से। ये देखिए ले जनाब, हमारी 12 स्लॉट थी इसलिए हमने 12 पेपर जो है ना इस आर्मेचर के लिए कट कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला अब कॉइल की बारी, कॉइल बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह।